हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक रस्तोगी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में अगर हम देखें तो हैकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें आपकी हैकिंग किस तरीके की होती है और क्या क्या हैक हो सकते हैं आपके साथ, जैसे कि हम देखते हैं कि यूट्यूब चैनल्स वगैरह जो है आजकल काफ़ी हैक हो रहे हैं। आपके फ़ोन्स वगैरह आप टच भी नहीं करते हैं, एक तरीके से हैक हो जाते हैं। क्या गलतियाँ हमसे हो जाती हैं और क्या प्रिकॉशन हमें रखने चाहिए जिससे कि हमारी कोई भी अकाउंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या जीमेल अकाउंट्स हैं या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी अकाउंट्स, वो हैक ना हो, क्या क्या प्रिकॉशन रहते हैं और किस तरीके से हमें सेफली इन सारी चीज़ों पे वर्क करना चाहिए ऑनलाइन, तो इस पर ही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करने जा रहे हैं हम हैकिंग पे, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हैकर्स अंजाम देते हैं जिससे कि आपके अकाउंट्स, फ़ोन या बैंकिंग सेक्टर जो है वो हैक हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी ईमेल आईडी वगैरह हैक हो जाती है। कई बार आपको ईमेल्स क्या आते हैं कि आपने कई लकी ड्रॉज जीते हैं या आपने कई सारा कैश जीता हुआ है इनाम में, तो कुछ उसमें लिंक दिया जा रहता है जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें फिलअप करनी होती हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ऑटो जनरेटेड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, जिससे कि जो आपका फ़ोन का डेटा रहता है या आपके पीसी का डेटा रहता है वो लीक हो जाता है हैकर्स तक की। तो हैकर्स जो रहता है उन्हीं के थ्रू अपना सारा चीज़ें परफॉर्म करते हैं और आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी, जैसे हमें मेल आती, कई बार होता है कि आप बैंकिंग हैक हो जाते हैं, आपका पूरा का पूरा पैसा कट जाता है। तो जब भी आपको कोई SMS आया या इस तरीके से है तो उस पर ध्यान दीजिए कि आपके बैंक से आया है, जो उसकी ID होती है कि आपके बैंक की ही, या ईमेल आई है तो ज़रूर आप रिप्लाई जिस ईमेल से आई है उसको आप चेक करिए, कोई @gmail.com करके तो नहीं है। अगर किसी बैंक से आई है तो @ में उसका डोमेन लगा होना चाहिए, तो डोमेन से ही आई है। तो इन चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आप लोग अगर इस तरीके की कोई भी लिंक आते हैं या कोई भी SMS आते हैं तो बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स करना ही नहीं है, सिंपली आपको डिलीट कर देना, क्योंकि इस तरीके की मेल जो है बैंकिंग वगैरह या कोई भी YouTube वगैरह इस तरीके की कोई भी मेल भेजते ही नहीं। तो इस तरीके की कई सारी हैकिंग्स होती हैं। और यूट्यूब चैनल्स पे क्या चल रहा है आजकल, कई सारे आपका फ़ोन पुरानी जीमेल्स होती हैं उनके थ्रू, अगर मान लिया आपका पासवर्ड बहुत ही वीक रहता है तो हैकर्स लोग क्या करते हैं, गेस कर देते हैं और आपको जो भी अदर्स के लिंक रहते हैं, कई बार आप फ़ोन चलाते रहते हैं और उसमें आपके लिख के आ जाता कि आपका फ़ोन हैक हो गया या आपके फ़ोन में कई सारे बहुत सारे वायरसेस आ गए तो इसे क्लीन करने के लिए ओके दबाइए। तो उस चीज़ को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट करिए, उसको परफॉर्म करना ही नहीं है उस टास्क को। कई बार होता कि आप बैक भी करेंगे तब भी बैक नहीं होगा, तो अगर नहीं बैक होता है तो होम बटन को प्रेस करके आप बैक आने की कोशिश करिए, अगर नहीं होता है फिर भी बैक तो अपने फ़ोन को पावर ऑफ करके ऑन कीजिए, बट उस एक्शन को आपको परफॉर्म नहीं करना है जो सामने आपके टास्क आ रहा है, ओके प्रेस करिए जिससे कि आपके फ़ोन के सारे वायरसेस जो हैं वो क्लीन हो जाएंगे। तो उसको बिल्कुल भी आपको परफॉर्म करना ही नहीं, आपके फ़ोन में कोई भी वायरस नहीं, क्योंकि वो खुद एक वायरस है। अगर आप उसको परफॉर्म कर देते हैं या उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका फ़ोन जनरली मान के चलिए परमानेंट जो रहेगा वो हैक हो ही जाएगा, क्योंकि वो हैकर्स इसीलिए ही आपको एक तरीके से चारा डालते हैं इस चीज़ का। तो अगर आप उसमें फंस जाते हैं तो आपका फ़ोन हैक हो जाता है या आपका PC हैक हो जाता है और इसी से फिर सारी की सारी डिटेल्स जो होती हैं वो हैकर्स के पास चली जाती। कई बार हम लोग करते क्या हैं, जैसे प्ले स्टोर या अदर कहीं से भी हम कीबोर्ड्स डाउनलोड कर लेते हैं, अलग अलग डिज़ाइनर कीबोर्ड होते हैं, वो देखने में हमें अच्छे लगते हैं, बट वो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो देखते हैं क्या कई सारी परमिशंस मांगते रहते हैं। यस आप करते बिना पढ़े हुए उनकी टर्म एंड कंडीशन को यस ही करते चले जाते हैं। तो इनमें होता क्या, अगर मान लीजिए कई कीबोर्ड तो आपके माइक्रोफोन की परमिशन मांगते हैं, आपके कैमरे की परमिशन मांगते हैं, कीबोर्ड को माइक्रोफोन और कैमरे से क्या रिलेटेड। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि जो भी हम ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वो किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है। तो इस चीज़ पर बहुत ज़रूरी रहता है कि आप बहुत ध्यान दें। और होता क्या, इन कीबोर्ड्स में और अदर जो कीबोर्ड्स रहते हैं आप अपने फ़ोन में बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें। इनसे होता क्या है, जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा हैकर उसमें प्रोग्रामिंग करके रखते हैं, जो भी कुछ आप टाइप करते हैं वो सब हैकर के पास जाता है। कुछ कीबोर्ड इस तरीके, मैं नहीं कहता कि सारे के सारे ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ आप जितना बच सकें तो इन चीज़ों से बचे रहिए। जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन में कीबोर्ड मिलता है उसी से सारे टास्क वगैरह परफॉर्म कीजिए। तो इनसे क्या रहता है, सारा का सारा डाटा आपका हैकर्स के पास चला
फायदा था जिससे आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपके बैंक का पैसा कट सकता है, बहुत सारी चीजें फोन से करते हैं, यूपीआई ट्रांसफर कर रहे हैं, पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप परफॉर्म करते हैं एक अपने स्मार्टफोन से, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन ही बहुत ही ज्यादा हो गया है, तो सब ये लोग इसको ही अपना बना के रखे हैं जरिया कि फास्टली हमारा सारा काम हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए और समझिए, इन सारी चीज़ों से बच के रहिए और सेफ रहिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे।